तो डिस्कस करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ एफ फ्रॉम पी टू पी इज द कंटीन्यूअस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, जो ये हमारे पास इक्वलिटी होती है इसको हम बोलते हैं हमारी कोची इक्वलिटी। ठीक है जी, आपको याद रखना है इसको क्या बोलते हैं हम, कोची इक्वलिटी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो हमें डिस्कस करना है कि एफ इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ इज इंक्रीजिंग इफ एफ ऑफ वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड डिक्रीजिंग एफ ऑफ वन लेस देन इक्वल टू जीरो, एंड एफ इज इंक्रीजिंग एफ ऑफ वन लेस देन इक्वल टू जीरो एंड डिक्रीजिंग एफ ऑफ वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दैट इंप्लाई हमें बस फंक्शन के बिहेवियर के बारे में चेक करना है कि फंक्शन हमारा क्या बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास कैसा फंक्शन गिवन है, P से लेके P तक हमारे पास कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है। तो हमारे पास देखिए रिजल्ट होता है, इफ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन आर एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, इफ एफ ऑफ वन इक्वल टू के, भी हम मान के चल पड़ते हैं कि हमारे पास जो एफ ऑफ वन की वैल्यू के है, देन तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स टाइप का फंक्शन बनता है। ठीक है, अगर हमारे पास आर से आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और साथ में इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारी वन पे वैल्यू कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट के आ रही है, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, वो हमारे पास के ऑफ एक्स टाइप का बनेगा। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास के की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हमारे पास क्या हो सकता है, के इक्वल टू जीरो हो सकता है, या के हमारे पास लेस देन जीरो हो सकता है, या हमारे पास के क्या हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। ठीक है जी, अगर मान के चलते हैं कि हमारा k क्या है, जीरो है, अगर हमारा k जीरो है तो हमारे पास k क्या है, हमारे पास f ऑफ वन की वैल्यू है, अगर हमारे पास f ऑफ वन की वैल्यू जीरो है तो दैट इंप्लाई हमारे पास फंक्शन कैसा बनेगा, हमारे पास जीरो इंटू एक्स टाइप का बनेगा। दैट इंप्लाई हमारे पास कैसा फंक्शन बनेगा, f ऑफ x इक्वल टू जीरो ही फंक्शन बनेगा। इट मीन्स हमारे पास जीरो फंक्शन बनेगा, यानी कि आइडेंटिकल जीरो फंक्शन बनेगा। तो हमारे पास जो आइडेंटिकली जीरो फंक्शन है वो हमारे पास कैसा होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होता है और हमारे पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होता है। ठीक है जी, अगर हमारे पास k की वैल्यू लेस देन जीरो है तो हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा हमारे पास kx टाइप का फंक्शन बनेगा। ठीक है जी, और हमारे पास k कैसा है, k हमारे पास कैसा है, नेगेटिव है। तो मैं आपको कोई एग्जाम्पल दूं इसका, तो हमारे पास k टाइप का फंक्शन बनेगा, अगर मैं k की वैल्यू माइनस वन चूज कर लेता हूं तो हमारे पास माइनस वन, तो हमारे पास माइनस एक्स टाइप का, अगर मैं k की वैल्यू टू चूज कर माइनस टू चूज करता हूं तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस टू एक्स टाइप का फंक्शन बनेगा। तो हमारे पास इस टाइप के फंक्शन बनेगा, यानी माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, मतलब वो सारे k की वैल्यू चूज कर सकते हैं जो कि हमारे क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो हमारे पास ग्राफ बनेंगे वो हमारे पास कैसे ग्राफ बनेंगे, वो सारे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बनेंगे हमारे पास। जैसे हम इसका बनाए माइनस एक्स का ग्राफ बनाए तो हमारे पास कैसा आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। ये कैसा फंक्शन है हमारे पास, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है जी, तो अगर हम k की वैल्यू कुछ भी चूज करते हैं, जब हमारा k कैसा है, नेगेटिव है, तो हमारा f ऑफ x कैसा बनेगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बनेगा। ठीक है जी, अगर हम k की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो चूज करते हैं तो हमारे पास f ऑफ x कैसा बनेगा, हमारे पास kx टाइप का बनेगा, और हमारे पास k कैसा होगा, हमारे पास ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं इनका, तो हमारे पास किस टाइप के ग्राफ बनेंगे, मैं k को वन चूज करता हूँ हमारे पास x बन जाएगा, अगर मैं k को 2 चूज करता हूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो दैट इंप्लाई हमारे पास जो ग्राफ बनेंगे ना वो कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू x। ठीक है जी, ऐसे हम 2x का ग्राफ बना सकते हैं, 3x का ग्राफ बना सकते हैं, तो वो सभी ग्राफ क्या बनेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बनेंगे। तो दैट इंप्लाई हम कह सकते हैं अगर हमारी k की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे पास जो ग्राफ बनेंगे, जो फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बनेगा। और हम k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो चूज करेंगे ना तो हमारे पास कैसा फंक्शन बनेंगे, हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बनेंगे। तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रू, कि हमारे पास f इज इंक्रीजिंग बनेगा हमारे पास, अगर हमारे पास f ऑफ वन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, एंड हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बनेगा हमारे पास अगर f ऑफ वन की वैल्यू हमारे पास कैसी है, लेस देन जीरो है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।